जिस तरह से कोरोना के नए मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश में फिर से एक बार और लॉकडाउन लगेगा। पिछले 83 दिनों से हर दिन नए संक्रमण के मामले में तेजी देखने को मिल रही है। वैज्ञानिकों ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर आने की आशंका जताई है। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों से चिंता होना लाजमी है, क्योंकि हालत की गंभीरता को भांपते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि देश में संक्रमण का कहर एक बार फिर शुरू हो सकता है। उनका कहना है कि इसे रोकने के लिए अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन की खुराक लेना होगा और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्रीय मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी किया है। इस अवधि में नए मामलों की संख्या 24,884 है, जो एक दिन में 23,285 थी। यह आंकड़ा पिछले 20 दिसंबर के बाद से सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में 6 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में संक्रमण के नए मामलों में तेजी दर्ज की गई है। इन सभी राज्यों में आए सामने नए मामले देश में कुल मामलों का 85.91% है। केंद्र ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने इस सप्ताह के शुरुआत में महाराष्ट्र में संक्रमण के मामलों में तेजी को लेकर चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के हर जिले में वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव।